सोमनाथ भारती जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इस बातचीत में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हुआ हूं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा विश्वास मत पेश किया गया उसके सपोर्ट में। और क्यों सपोर्ट कर रहा हूं? क्योंकि उसके पीछे कारण है। मेरे नेता हैं, पूरे देश के अंदर एक काम की राजनीति के पुरोधा हैं, लेकिन आज मैं रैशनली ये प्रूव करने का प्रयत्न करूंगा कि क्यों आज देश की चॉइस अगर कोई बनने के काबिल है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। चुनाव आते हैं और जाते हैं, कई चुनाव आए, कई चुनाव गए, कई बार इस देश के अंदर चर्चा हुई कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो अपने चुनावी वादों को पूरा करती है, ऐसा कौन शख्स है जिसने इस देश में सिद्ध किया कि जो कहा सो किया। भाजपा ने तो, भाजपा के बड़े नेताओं ने साफ साफ कह दिया, चाहे 15 लाख का मसला हो, चाहे 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का मसला हो, इस सब के मसले पे भाजपा के बड़े नेताओं ने खुले में कहा कि ये तो चुनावी जुमला था। बेशर्मी की हद है कि खुद के किए गए वादे, जनता के सामने खुल के किए गए वादों को खुद ही कहा कि चुनावी जुमला था। इकलौता व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जिसने ताल ठोक कर कहा कि जो कुछ भी मैंने चुनाव में कहा है उसको पूरा करूंगा और पूरा करके दिखाया। अध्यक्ष महोदय, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस किस प्रकार से, खास करके केजरीवाल जी का पर्सनल जो एलिजियंस है जनता के साथ, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को डमाडोल कर रही है। आज तक दिल्ली के अंदर किस प्रकार से केजरीवाल जी के सपोर्ट में दिल्ली की जनता खड़ी है। कौन वो शख्स है जो जनता के वोट का असली वैल्यू देता है, यही तो प्रताड़ना हो रही भाजपा की। अध्यक्ष महोदय, अरविंद जी से हमें एक चीज सीखें, पता नहीं वो इन लाइनों में कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहने का प्रयत्न करता हूं। जिंदगी में मौत एक बार आती है, और लेकिन जब अरविंद जी को देखता हूं तो एक बात सीखता हूं कि रोज रोज नहीं मरना है, जब मौत आएगी तब मरना है, मरने के पहले नहीं मरना। यह अरविंद केजरीवाल ने सिखाया था, यह बहुत बड़ी बात है। आज के तारीख में जिस प्रकार से हमारे 3 शीर्ष के नेताओं को, सिसोदिया साहब को, सत्येंद्र जैन साहब को, संजय सिंह जी को, बेमतलब, और मैं एक वकील होने के नाते भी कह रहा हूं, इनके केसेस में धेले भर का सबूत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव के कारण उनको इन्होंने अंदर रखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी वर्सेस मोदी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी किस प्रकार से अंतर है देखिए। एक व्यक्ति चुनावी वादे करता है, मैनिफेस्टो में लिखते हैं मैं एजुकेशन में ये करूंगा, हेल्थ केयर में ये करूंगा, बिजली में ये करूंगा, पानी में ये करूंगा, बिल्कुल टाइम बाउंड कि जैसे ही सरकार में आए तो हमने बिजली में आधा कर दिया, पानी माफ कर दिया। और दूसरे तरफ मोदी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहता है, पहले ये टिंकरिंग करेंगे वोटर्स लिस्ट में, फिर टिंकरिंग करेंगे कि अभी ईवीएम को गड़बड़ करो, फिर अगर फिर भी कोई जीत गया तो उस एमएलए को खरीदने का प्रयत्न करो, अगर नहीं खरीदा जा रहा तो ईडी सीबीआई लेके आओ, अगर उससे भी नहीं खरीदा जा रहा तो फिर भारत रत्न दे दो उसको, क्योंकि आजकल भारत रत्न भी इस्तेमाल हो रहा है। जिस प्रकार से पिछले दिनों में भारत रत्न दिया है एक के बाद एक, एक के बाद, वो सारे शख्स विभूतियां हैं, उनको मिलना चाहिए था, पहले मिलना चाहिए था, लेकिन चुनाव के दौरान देख करके आपने ये सिद्ध किया कि भारत रत्न आज एक पॉलिटिकल टूल हो गया है।
कारण है, क्योंकि वो हमने तो पता नहीं, हमने पता करने का प्रयत्न किया कि भाई इतनी सारे गुण मोदी जी कहां से लाते हैं। तो वो जो डिग्री है ना, वो एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, सारा मसला इंटायर का है, इंटायर का। हमने यूजीसी में पूछा कि भैया इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहां पढ़ाया जाता है, बोला भाई साहब क्यों पूछ रहे हो, मुझे मालूम है। तो ये इंटायर का सारा मतलब है कि भाई इंटायर पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ के आए मोदी जी, उसमें यही से पढ़ाया गया कि भाई कुछ नहीं हो, अगर फिर भी सरकार नहीं गिरे तो चंडीगढ़ मॉडल ऑफ गवर्नेंस, चंडीगढ़ मॉडल ऑफ इलेक्शन करवा दो, कि बकायदा खुलेआम सीसीटीवी होने के बावजूद वो किसी का वोट चुरा करके भाजपा के उम्मीदवार को जिता दो। यह है एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, उसमें ही पढ़ाया गया होगा। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे रोक लगाई और देश को बताया कि किस प्रकार से देश के डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसने पैसे लगाए? 7,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को मिला। इसका सोर्स क्या है, किसने पैसे दिए? कंपनी के द्वारा पहले जब डोनेशन होता था उस पर 7.5% का एक अपर लिमिट था, उसको हटा दिया गया। तो देश के डेमोक्रेसी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका सोर्स अब मालूम पड़ेगा जब इस पर जांच होगी। अध्यक्ष महोदय, इनको शर्म आनी चाहिए। एक ही व्यक्ति है जिसने इस देश को सिखाया कि हमें चलना है, किसके राह पे चलना है, नाथुराम गोडसे के राह पे चलना है कि महात्मा गांधी के राह पे चलना है, भगत सिंह के राह पे चलना है या सावरकर के राह पे चलना है। अध्यक्ष महोदय, उस शख्स से मोदी जी बहुत परेशान है। अगर अरविंद जी भी औरों की तरह जुमलेबाजियां करते, करप्शन करते, लैंड खरीदते, बिल्डिंगें खरीदते, पैसा इकट्ठा करते तो भाजपा कोई आपत्ति नहीं थी, ये हमारे जैसा हुआ। ये अंधों की नगरी में आंख वाला आ गया। जिस दिन से अरविंद जी आए हैं, कभी शिक्षा की बात करते हैं, कभी स्वास्थ्य की बात करते हैं, कभी बिजली की बात करते हैं, कभी पानी की बात करते हैं, तंग हो गए मोदी। करे जिस दिन से आया है उस दिन से कुछ ना कोई ऐसी बातें करते हैं जहां की हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। अंधों की नगरी में जब आंखवाल आया तो बात करे भाई लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग, अंधों ने कहा क्या चक्कर है, जिस दिन से आया हमें एहसास दिला रहा कि हम अंधे हैं, तो कभी क्या इलाज क्या है इसका। तो सब अंधों ने मीटिंग करी, बोले एक काम करो, इसकी आंख भी निकाल लो, इसको हमारे ऐसा कर दो। यही करने का प्रयत्न करी भाजपा कि भाई इसकी आंख निकल जाएगी, ये भी शिक्षा की बात करना बंद कर देगा, ये भी स्वास्थ्य की बात करना बंद कर देगा, ये भी जनता को सुविधाओं की देने वाली राजनीति बंद कर देगा, ये हमारे ऐसे हो जाएगा। लक्ष्मण, आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत दुख भी होता है कि अरविंद जी जैसा शख्स इस देश में अगर पहले आ गया होता तो आज जो मोदी जी को मौका मिल गया देश में सबको बेवकूफ बनाने का, नहीं हो पाता। क्योंकि अरविंद जी के पिछले 10 साल में, मैं एक दिल्ली की बेटी का इंटरव्यू देख रहा था कल सवेरे, बेटी ने कहा कि जब से शिक्षा में जो दिल्ली सरकार ने बदलाव किया है उसके कारण उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, उसका नॉलेज इतना बढ़ गया कि आज कई सारे इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू लेकर कहते कि भाई ये तो गजब हो गया, गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट हो। अगर अरविंद जी जैसा शख्स पहले आ गया होता हिंदुस्तान के अंदर तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी को यहां का शासन करने का मौका नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ देखिए अजीत पवार जी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। किसने कहा? हमने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा। पिछले दिनों अशोक चौहान जी के बारे में जो बातें आई, आदर्श घोटाला किया, किसने कहा? हमने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा। छगन भुजबल हो, शिवेंदु अधिकारी हो, हेमंत शर्मा हो, इस सबके बारे में आम आदमी पार्टी ने नहीं, भाजपा ने कहा कि वो करप्ट है, जेल जाना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ? एक नया वॉशिंग मशीन उसके अंदर घुसाया और निकाला, कहा पवित्र हो गए। आज सब भाजपा में सम्मिलित हो गए, तो ईडी सीबीआई केस खत्म हो गया। लेकिन जो भाजपा में नहीं जाएगा,
जो मोदी जी के अनुसार नहीं चलेगा उसके पीछे ईडी भी चलेगा और सीबीआई भी चलेगा, ये देश के अंदर हो गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, दो बड़ी चीजें जिसने आम आदमी पार्टी को पूरे विश्व में विख्यात किया और आम आदमी पार्टी के इस कार्य के जरिए पूरे भारत में, पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य। सोमला जी कंक्लूड, सिंबॉलिकली इन दोनों में शिक्षा का प्रतीक स्वरूप कौन बने? सिसोदिया जी। स्वास्थ्य का प्रतीक स्वरूप कौन बने? जैन साहब। तो इन दोनों को उठा के जेल में डाल दो, इनको लगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं रोज सवेरे पार्कों में जाता हूं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि सिसोदिया साहब ने कोई करप्शन किया होगा, जैन साहब ने कोई करप्शन किया होगा। आज पूरा देश कह रहा है कि जो अति कर रहे हैं मोदी जी, इससे एक बात सिद्ध हो रहा है कि राजा डरा हुआ है। राजा को डर है एक फकीर से, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। पॉकेट में पैसा नहीं अरविंद जी का, लेकिन जो प्यार दिल्ली की जनता ने दिया है, देश की जनता ने दिया है, उस प्यार के बल पे अरविंद जी आज लोहा मोल रहे हैं उस शख्स से जिसके पास अकूत संपत्ति है। इसके लिए उनके साहस को मैं सलाम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी आप कंक्लूड कर दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी, ये जो बस एक मिनट कर ले, एक मिनट कर ले। अध्यक्ष महोदय, ये जो मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी अभी चल रहा है यहां पे भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन, तो मुझे लग रहा है वहां मोदी जी बोल रहे होंगे, सुनो चिंता मत करो तुम लोग, मोदी गारंटी है, माहौल बनाओ, सिर्फ देश में माहौल बनाओ कि मोदी जीत रहा है। लेकिन गारंटी मैं दे रहा हूं, मोदी जी कह रहे होंगे अपने कार्यकर्ताओं को, एक गारंटी दे रहा हूं, वोट किसी को भी जनता करे सरकार अपनी बने, ये गारंटी है मोदी की आज के तारीख पर। अध्यक्ष महोदय, और आखिरी में कि ये जो भगवान श्री राम का जो इन्होंने प्रयत्न किया कि हमें इसका फायदा मिले, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरविंद जी ने तो अरविंद जी तो गए भी वहां मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में, लेकिन अरविंद जी का एक खास बात और है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद जी के नेतृत्व में जो भगवान श्री राम के आदर्श हैं कि जनता को किस प्रकार से सेवा करनी है, अगर किसी शख्स ने इस देश के अंदर भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न किया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। भगवान राम के मंदिर का भी हम स्वागत करते हैं, हम सबने स्वागत किया, दिल खोल के स्वागत किया, लेकिन भगवान श्री राम के आदर्शों पे अगर ना चले तो भगवान श्री राम भी खुश नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, और आखिरी में, चूंकि ये लोटस लोटस चल रहा है, मैं रोज पार्कों में घूमता हूं तो कोई ना कोई घूमते घूमते आ जाता है मेरे पास, सोमनाथ जी अमित शाह जी से मिलवा देता हूं, आप बोलो तो सही। हम बोले भैया किससे बोल रहे हो, किसको कह रहे हो? अरे छोड़ो ना सोमनाथ जी, आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी, अरविंद जी अरेस्ट हो जाएंगे। मैंने कहा अरविंद जी को तुम जानते नहीं हो, ये शख्स वो है जिसने अकूत संपत्ति वाला विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लात मार के इस व्यक्ति आया। मुझे कह रहे हैं अरे एमपी लड़वा देंगे। अरे भैया बोलो, तुम मुझे पूरे विश्व का प्रधानमंत्री बना दो, फिर भी सोमनाथ भारती आखिरी दम तक अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा रहे। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक मैं लाइनें, वो जो मैं अक्सर पहली बार कहा है, बड़ा दो लाइन, उसमें सारा निचोड़ा जाएगा, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन वो मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। अरविंद जी के लिए सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, उनको तकलीफ तब हुई फिर भी जब मैं जी गया। इन शब्दों के साथ अरविंद जी के लीडरशिप को सलाम करता हूं, और परमात्मा आपको मेरी जिंदगी भी दे, इस हिंदुस्तान के समस्याओं का समाधान अरविंद जी आपके जरिए आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अक्ष महोदय, जय हिंद, जय भारत।